सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और बहुत दिन पहले से मैंने सोचा था कि अपने एंड्रॉयड के साथ कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो बहुत दिन के बाद मुझे आइडिया आया कि इसका जो इंजन कूलिंग फ़ैन है वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है हमारा साहिल भाई और आज हम दोनों मिलके इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो इसमें लगेगा ये लाइट, इसमें जो ये सेकिंग लाइट या क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए जो हमारा वो कवरिंग होता है उसको खोलना पड़ेगा और उसको खोल करके हम लोग उसको फिटिंग करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी एंड्रॉयड है तो आप उसमें लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक लुक देता है, बहुत ही क्लासी सा लुक लगता है। तो अभी हम इसको खोलने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको खोलते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे और सिनेमेटिक भी दिखाएंगे। सो गाइस, यही है वो इंजन कूलिंग फैन और ये मतलब इंजन स्टार्ट इग्निशन स्टार्ट करने के बाद ही ये घूमने लगता है। तो इसमें हम लगाने वाले वो लाइट्स। तो ये है वो लाइट जैसे कि साहिल भाई ने आपको दिखाया ही था। और इसके लिए जो है ये कवर ऊपर से लगा रहता है, तो इसको अभी हमने खोला है। तो इसे खोलने के लिए कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं है, बस यहाँ पे जो स्क्रूज आप देख रहे हैं ये सबको आपको खोलना पड़ेगा। इधर तीन स्क्रू है, तो ये तीन स्क्रू को खोलने के बाद में ये अच्छे से खुल जाएगा। और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, तो इसको पकड़ के मतलब यहाँ पर केबल होता है वो यहीं पर मतलब कि अटैच यहीं पर मतलब कि अटक के रहता है। तो केबल को उठा करके आप इसको ऐसे खोल सकते हैं और बहुत ईजिली खुल जाएगा ये खुलने के बाद में। हम अभी इसमें लाइट लगाने वाले हैं, तो लाइट लगाने का कार्यक्रम यहाँ से शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह से आपको इस लाइट में मतलब ऐसे गोल करके इस वायर को ऐसे घुमा देना है और उसके बाद जाकर के इसी को मतलब वो स्क्रू के साइड में फंसा देना है। तो इससे क्या होगा कि लाइट गिरने का चांस कम रहेगा। तो और ऐसे भी कवरिंग से तो फंस जाता है, तो कुछ इसी तरह से आपको लगाना है। तो गाइस, कुछ इस तरह से इस लाइट के ऊपर आपको ब्लैक वायर ऐसे गोल करके बांधना पड़ेगा और उसके बाद जो वायर है उसको ऐसे गोल करके घुमा करके यहाँ में हम लोगों को ऐसे एक साइड में रख करके, यहाँ पर तीन जो स्क्रू है तो किसी एक स्क्रू में ऐसे लेकर के हम लोग को इसको ऐसे घुमा देना है जो कि इसमें ये तार अटक जाए अच्छे से। अटकने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो जैसे कि ये एक टू लगा है और एक टू हम लोग यहाँ से यहाँ लगाएंगे और उसका जो वायर होगा उसको हम लोग यहाँ पे लाके इसमें घुमा देंगे। तो उतना कुछ टफ ये नहीं है, बस आपको वायर कट करके रखना होगा। तो वैसे ही हम लोग इसका फर्स्ट वाला तो लगा दिए, तो अच्छे से और लगा देते हैं इसको और ऐसे ही आपको सेकेंड वाला भी लगाना है। कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है इसमें, तो ऐसे लगा करके आप इसको उसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाला यहाँ पर लगाया था, जैसे आप देख रहे हैं इधर का जो वायर है वो उस तरफ चला गया है। तो वैसे ही हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, इसका वायर यहाँ तक लेके आएंगे। तो गाइस, को जिस तरह से दिखता है ये, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे वायर से हम लोगों ने इसको लगाया है और इसके बाद जो ये कवरिंग है इसको हम वापस लगाने वाले हैं। तो ये लगाने भी बहुत आसान है, इसको बस इसे अंदर लगाना है और नीचे से हम लोग इसको लगाएंगे। तो जिस तरह से तो जैसे है ये पाइप को खींचना पड़ेगा, पाइप को खींचना पड़ेगा अंदर से, जैसे हम लोगों ने खोला था। सो गाइस, जो पाइप देख रहे हैं उसी को उसी में अटैच रहता है, थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है। तो उस पाइप को मतलब ऐसे उठा लीजिएगा, उठाने के बाद इसको अंदर घुसा करके आप इसको भी तो अगर यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम दे तो यहाँ भी एक स्क्रू है, ये वाला स्क्रू को आप खोल करके इसको डाउन कर सकते हैं। डाउन करने के बाद में आप इसको अच्छे से फिटिंग कर पाइएगा, उसके बाद आपको नॉर्मली स्क्रूज लगा देना है। तो लगाने के बाद आपको हम सिनेमेटिक दिखाएंगे, तो ऐसे ही करके आपको ये फिट कर देना है। उसके बाद आपको जो लुक देगा वो बहुत ही क्लासी सा लुक देता है। तो गाइस, अपने स्कूटी का खुद से ऐसे काम करने से कुछ ऐसा हालत हो गया है, पूरा गर्म लग गया है और हम लोगों ने अपना जगह चेंज किया क्योंकि उस तरफ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए अभी ये फिटिंग हो गया है, अभी इसको हम लगाने वाले हैं। लास्ट एक स्क्रू बाकी है ये वाला, जो कि वो साइलेंसर के नीचे जो लोहा था उसमें लगेगा। इसके बाद आपको हम सिनेमेटिक दिखाते हैं। तो गाइस, अभी पूरा यहाँ पर लगाने का काम हो चुका है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, कैसा लगेगा दिखने में आप लोग सिनेमेटिक में देख ही लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो आप सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए। सो गाइस, यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ये था आज का मोटिफिकेशन ब्लॉग। तो तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ। मैं टेक रुस्तम, ब्लॉगिंग ऑफ।